हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं द नेक्स्ट आर्टिकल्स ऑफ TIEA टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट। लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट का बेसिक इंट्रोडक्शन, देखा था क्यों इसे लाया गया और ये कैसे DTAA से डिफरेंट है। तो ये एग्रीमेंट डिफरेंट होता है और आपका जो DTA डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट होता है वो अलग होता है। और फिर हम लोग ने इसकी स्टार्ट किए थे आर्टिकल लाइक चैप्टर टाइप में कि भाई ये आर्टिकल ये बताता है कि इसके एग्रीमेंट बना तो ये सेक्शन के अंदर क्या करना चाहिए, इस चीज़ से रिलेटेड हमको क्या इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। तो उनके आर्टिकल हम लोग ने स्टार्ट कर लिए थे और आई थिंक 10 आर्टिकल हो चुके थे। हम लोग तीन तीन आर्टिकल करके एक्सप्लेनेशन दे रहे जिससे आपको समझने में भी आसानी हो और आपको कन्फ्यूजन भी ना हो। तो नेक्स्ट इज 11th आर्टिकल एंड दैट आर्टिकल इज टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज। तो ये टैक्स इन्फॉर्मेशन एग्रीमेंट जब बनाते हो, अभी आप समझो रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो, तो अगर आप इंडिया में रेंट एग्रीमेंट बना रहे हो तो आपका लैंग्वेज क्या होगा, इंग्लिश होगा। तो सेम वे में जब आप ये टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट बनाते हो तो इसका लैंग्वेज जो होगा वो इन्फॉर्मेशन आप शेयर करोगे या तो इंग्लिश में या तो फ्रेंच में या एनी अदर लैंग्वेज एग्रीड बाय द कंट्री। अब इसका बेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पर दो गल्फ कंट्री है, गल्फ कंट्री एक है जैसे कतर है, एक UAE है, राइट। अब इन्हों यहाँ पे इनका जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो अरबी है कि नहीं है। अब ये टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट बनाते हैं तो इनका इन्फॉर्मेशन मोस्टली इंग्लिश में भी डाल सकते हैं, फ्रेंच में भी डाल सकते हैं, लेकिन इन लोगों का क्या है, फेवरेट कौन सा है, इनका ऑफिशियल लैंग्वेज अरबी है, तो ये एग्रीमेंट अरबी में बनाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इट शुड बी एग्रीड होना चाहिए, दोनों कंट्री क्या होनी चाहिए, एग्रीड होनी चाहिए, या तो इंग्लिश में बनाओ या तो फ्रेंच में बनाओ या एनी अदर लैंग्वेज विच इज एग्रीड बाय द बोथ द पार्टी, बोथ द कंट्री। आ रही है बात समझ में? तो ये है, या तो इंग्लिश, फ्रेंच या एनी अदर लैंग्वेज एग्रीड बाय द कंट्रीज। नेक्स्ट बोला है आर्टिकल 212 अदर इंटरनेशनल एग्रीमेंट और अरेंजमेंट। अरे भाई, आपने ये एग्रीमेंट बनाया लेकिन पहले से आपने कोई और इंटरनेशनल एग्रीमेंट दूसरे कंट्री के साथ बना के रखा है, बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर जैसे ही आपने ये एग्रीमेंट बनाया तो अगर आपका दूसरा एग्रीमेंट है तो वो एग्रीमेंट इस एग्रीमेंट के ऊपर इफेक्ट नहीं डालना चाहिए। इसलिए बताया गया है कि अदर एग्रीमेंट शुड नॉट लिमिट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ TIEA एग्रीमेंट। तो आप दूसरे एग्रीमेंट भी बनाओ लेकिन इसकी जो एप्लीकेबिलिटी है टैक्स इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट की, इसके ऊपर इफेक्ट नहीं आना चाहिए, इसका एप्लीकेशन लिमिट नहीं होना चाहिए। इसका फुल फ्लेज जो एग्रीमेंट बनेगा कि भाई ये इन्फॉर्मेशन शेयर करना है तो यही करेंगे, आप ऐसा नहीं बोल सकते हमारे वो एग्रीमेंट में ऐसा मेंशन नहीं है। तो अदर एग्रीमेंट शुड नॉट लिमिट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिस एग्रीमेंट। एंड लास्ट वन इज म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर। ये आपका 13 आर्टिकल है, तीन तीन आर्टिकल करके हम लोग ने स्टार्ट किया है। म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर नाम में लिखा है, म्यूचुअल मतलब आपस में, एग्रीमेंट प्रोसीजर तो आपस में जब एग्रीमेंट बताएंगे तो उसका प्रोसीजर क्या है कि भाई जब आप आपस में एग्रीमेंट बना ही रहे हो तो आपको कोई डिफिकल्टी प्रॉब्लम आई या डाउट आया तो कंट्री रिजॉल्व करेगी वो मैटर को बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कतर का दिया था और UAE का दिया था, बराबर है। अब दोनों में प्रॉब्लम आ गया तो दोनों आपस में बैठो ना, जो भी डिफिकल्टी है, जो भी डाउट है उसको रिजॉल्व करो बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। आप क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं, और एक कॉन्सेंसस पे आओ। तो आर्टिकल 1 बोला लैंग्वेज, आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हो लेकिन इट शुड बी इंग्लिश एंड फ्रेंच और अदर लैंग्वेजेस जो कंट्री डिसाइड करती है, एग्रीड करती है। फिर जब ये एग्रीमेंट आपने बना लिया तो आपका पहले से कोई एग्रीमेंट है या बना रहे हो उसका एप्लीकेबिलिटी पे इफेक्ट नहीं आना चाहिए उस एग्रीमेंट का। और कुछ आपको डाउट या डिफिकल्टी आती है वो रिजॉल्व कर लो मैटर बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। तो दिस इज ऑल 3 आर्टिकल। नेक्स्ट वीडियो में और 3 आर्टिकल आएंगे, धीरे धीरे करके हम लोग ये पूरे आर्टिकल कवर करेंगे। आप लोग को लगता होगा ये छोटा वीडियो इसलिए क्यों बनाया जा रहा है, आपको थोड़ा समझने में भी आसानी हो और आपको जो आर्टिकल की ज़रूरत है जिसके ऊपर आप फोकस कर रहे हो, जो आपको डाउट क्लियर डाउट हो रहा है जिस आर्टिकल पे, आप उस पर जाके क्लिक कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द आर्टिकल 11, 12, 13। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे और आर्टिकल के साथ। बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट और कुछ डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हो और आप लोग इस तरीके का भी कमेंट कर सकते हो जिससे हम लोग को पता चल सके कि आने वाले वीडियो में हम लोग को क्या इम्प्रूव करना चाहिए, ठीक है। तो ये जो
स्लाइड मैंने पढ़ा, इसका रेफरेंस लिया गया ये साइट से, आप यहाँ पे जाके इसको और डीप में पढ़ सकते हो। तो बाय द टाइम जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।